मोइंस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चा आम, आ रहा है आम का सीजन है, आम की लौंजी। लौंजी या आप बना उसको मान लीजिए अचार, मीठा अचार या लौंजी जो भी कहे वो है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो हम बनाएंगे लौंजी। लौंजी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो हम आपको बताते हैं। और चलिए, इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। चलिए अब हम बनाते हैं आम की लौंजी। उसमें इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं क्या क्या हम मिलाएंगे। आधा किलो आम था, उसको हमने धोया, पोछा और उसके बाद इसको हमने मोटा मोटा ऐसे किस लिया। किसने से हमने किस लिया, ये मोटा ही मोटा हमें चाहिए था तो मोटा किसा है। उसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक सफेद, एक चम्मच डालेंगे काला नमक, 100 ग्राम, आधा किलो में 100 ग्राम ही हम शुगर डालेंगे, और थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी, और चौथाई से कम डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। चलिए अब हम इसे बना के आपको दिखाते हैं। डाल दिया और आम के इसको हम डाल, आम को हमने डाल दिया जो हम पीस के रखे थे। ये हम बिना तेल का बनाएंगे, इसमें ऑयल बिल्कुल भी हम नहीं डालेंगे। ये 100 ग्राम शक्कर भी हम इसी में डाल देंगे ताकि इसके पानी से अच्छे से हमारी लौंजी पक जाए। तो आप अपने मीठे स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। मीठा खाती हूँ आप ज़्यादा तो 100 से 200 ग्राम कर दीजिए, आधा किलो में, लेकिन मैंने 100 ग्राम ही डाला है। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि ये जले ना और नीचे लगे ना, जलने से टेस्ट खराब आएगा और नीचे लग जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत ही खराब आता है। इसे लगातार चलाते रहना है। और सफ़ेद नमक भी डालेंगे, ये वाइट नमक है, एक चम्मच डाले हैं। तो ये काला नमक हम इसमें आधा ही डालेंगे और इसको पकने देंगे। नमक भी पानी छोड़ता है तो ये सब के पानी से ये अच्छा पक के तैयार हो जाएगा। तो तेल हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, टोटल ऑयल फ्री है हमारा अचार जो है लौंजी। इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच, हल्दी तेज है तो आधी चम्मच ही डालेंगे। सूखी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा लौंजी है, खट्टा मीठा होना चाहिए, तीखा होना चाहिए, तो मैं लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। आप मसाला बिल्कुल पिंच भर हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, चलाते रहना है। इसके अनुसार नमक और मिर्च ज़्यादा कम कर सकती हैं। मिर्च को आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी आप इसमें डाल सकती हैं, तो जिससे कलर हमारा और अच्छा हो जाएगा। लौंजी का को अच्छा पक जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। ऐसे पक गया है, इसका कलर तो ट्रांसपेरेंट हो गया आम का, पक गया है, पक के तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर में उतार लेंगे। हम भुना जीरा पाउडर डालेंगे उतारने से पहले ये, और आधी चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। हमारी लौंजी बनके तैयार हो गई, अब हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से। आम की लौंजी, मेरी शानदार लौंजी बनके तैयार हो गई है, अब आप बनाइए। लेकिन ये एक डेढ़ से दो महीने ही चलेगा और उससे ज़्यादा नहीं चलता है। इसको फ्रिज में आप रखेंगी तो 3 से 4 महीना चल सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब आप बनाइए आम की लौंजी और खाइए, और मेरे चैनल में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को शेयर करिए। ये विदाउट ऑयल है इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।